Hi everyone, myself Dr. S.S. Saini, founder and CEO of MRS Meditech. So today I'm in Oriole State Medical University, 100 year plus old medical university, the oldest medical university of Russia. So already we are sending many students in Oriole State Medical University. Shall we take a review from our students? Yeah, Siddhant, tell me about yourself or from which location you are. Hello sir, myself Siddhant Saibrao Gangurde and I am from Nasik, Maharashtra. Nasik, Maharashtra. Yes sir. Okay. And in which year you are studying here? Actually, I have completed my first year sir. Now okay. My second year will be starting from September this year. Okay, mean last year you joined this Oriole State Medical University? Yes sir. Okay. And tell me about the university. How is the university? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है सर कंपेयर टू इंडिया बहुत मतलब एक्सपेंसिव है भी नहीं बहुत चीप प्राइस में आपका यहाँ पे MBBS हो जाएगा और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है टीचिंग भी बहुत अच्छी है जो मतलब बाहर से जो इंडिया से जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनका मेनली यही डाउट होता है कि सिलेबस कैसा होगा मतलब कुछ डिफरेंट होगा या नहीं होगा तो वो चीज़ें होती है तो ऐसा कुछ नहीं है इंडिया के जैसे ही सिलेबस है और बहुत अच्छे से कंप्लीट कराते हैं हाँ जैसे बॉडी वर्ल्ड वाइड सेम है एजुकेशन भी सेम है बस वही सब वैसे ही एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं ओके और क्लासेस वगैरह का क्या टाइम होता है आप लोग का क्लासेस हमारी हर सब्जेक्ट की एक वीक में एक बार होती है और लगभग जैसे मेन सब्जेक्ट हो गए एनाटॉमी हो गया फर्स्ट ईयर में हमें तो फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री भी था तो वो सब्जेक्ट की हमारी हफ्ते में लगभग दो दो क्लासेस लगती थी वो 3-4 घंटे की होती थी ओके वो जो प्रैक्टिकल कराते आप लोग जैसे आगे बॉडी पे कराते हैं हॉस्पिटल लेके चलते हैं अभी स्टार्ट हुआ आप लोग का ये चीज़ें जी सर हमें अभी एनाटॉमी में मसल जैसे पढ़ाए इस फर्स्ट ईयर में तो हमें कैडावर भी था उसके ऊपर हमें पढ़ाया स्केलेटन भी पढ़ाया तो स्केलेटन स्ट्रक्चर भी था हमें यहाँ पे हाँ एंड यू नो इसे 100+ ईयर ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी यस सर एंड टेल मी अबाउट द फूड इजीली अवेलेबल है यहाँ पर फूड वगैरह यस सर फूड इजीली अवेलेबल है जैसे पल्सेस हो गया ग्राम हो गया वो यहाँ पे राइस हो गया जो इंडियन क्यूजिन में जो सारा अपने को ग्रोसरी चाहिए वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है फूड भी अच्छा है और जो आप KFC हो गया बर्गर किंग हो गया जो मतलब फ्रेंचाइजेस इंडिया में अवेलेबल है वो आप हमें यहाँ पे भी मिलती है तो फूड की वैसे कोई दिक्कत है नहीं ओके और हमारी कंपनी का फुल सपोर्ट रहता है यहाँ पे जी सर अगर किसी बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो सर रहते हैं वो हमें पूरा गाइड करते छोटी सी दिक्कत में हमारा पूरा अभी हम जब आए थे तो फर्स्ट ईयर में हमें लैंग्वेज का इशू होता था तो हमें पता नहीं था कैसे मतलब कहाँ चीज़ें होती है ऑफिस पता नहीं थे तो उनसे कैसे बात करने वगैरह वो पूरे हमें सर ने हमें गाइड किया ओके मीन यू नो वी हैविंग ए फुल कंट्रोल इन ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यस सर या सो एनी स्टूडेंट हु हैव ए विश टू ज्वाइन ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दे कैन कम यस तो गाइज आप इजली एडमिशन ले सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी वी हैव एस्टेब्लिश्ड ऑफिस हियर इन ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट एट आवर ऑफिसेज या एंड टेल मी अबाउट दी जैसे हियर हैविंग ए स्पेशल एडमिशन सेल ऑफ ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है हाँ लाइब्रेरी बहुत अच्छी है आप जो आपको मतलब जो बुक्स इंडिया में आप यूज़ करते हो वो इंग्लिश में ही आपको यहाँ पे भी बुक्स मिल जाएंगी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक जो आप मतलब ग्रेज एनाटॉमी हो गया वो बुक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप अपने नाम पे इशू करवा सकते हो बिल्कुल और जब चाहे आप उसको सबमिट कर सकते हो बिल्कुल जैसे कि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बीडी चौरसिया बुक चाहिए होती है एनाटॉमी की चाहिए होती है तो ऑल दीज आर अवेलेबल हियर यस सर ऑल दीज बुक्स आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी यू कैन इशू इट ट्रैवलिंग का कैसे रहता है जैसे मॉस्को से आप लोग आते हो अच्छा ट्रैवलिंग का सर ओरियल जहाँ हम अभी है ओरियल सिटी वो एक्चुअली मॉस्को से बहुत नज़दीक है 350 किलोमीटर ही है तो जो अभी बाकी की यूनिवर्सिटी है वो मॉस्को से बहुत दूर है तो बच्चों को फ्लाइट्स लेने पड़ता है वहाँ पे जाने के लिए तो हमारे लिए वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे बस से भी आ सकते हैं ट्रेन से भी आ सकते हैं और कैब से भी आ सकते हैं और वो भी बहुत चीप पड़ता है मतलब फेयर बहुत ही चीप है तो आप इजीली मतलब 3-4 घंटे में यहाँ पे पहुँच सकते हो ओके मीन ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी इजी है हाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है और आपको क्या यूनिक चीज़ लगी ओरियो सिटी में ओरियल सिटी का सर यूनिक चीज़ ऐसा मैं बोलूँगा मुझे पर्सनली जो लगा यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी है अगर आपको सिटी में ट्रैवल करना हो तो वो भी बहुत चीप है 20 रूबल में आप पूरा सिटी घूम सकते हो ओह नाइस नाइस
तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई इशू है नहीं, बहुत इजीली आपको ट्रांसपोर्ट मिल सकता है और आप कैब भी यूज़ कर सकते हो. थैंक यू. सो गाइस, वी हैव डिस्कस्ड विद आवर स्टूडेंट्स अबाउट द फीडबैक ऑफ यूनिवर्सिटी एंड द फीडबैक ऑफ द सिटी और यू सिटी फीडबैक. सो ऑल दी थिंग्स आर पॉजिटिव. सो इट्स ए राइट टाइम टू कॉन्टैक्ट टू अस. तो विजिट इन आवर ऑफिसेस and you will get appropriate information about MBBS in abroad. Oriole City, I have visited lot since last 2-3 days, and it look like Ivano Frankovich City, like Ivano Frankovich City, having availability of malls, then grocery shops, then facility of you can say good facility of transport like that. So you can visit in our offices, and it's a right time to contact to us. Thank you.